हल्की, कुछ होती हैं भारी, लेकिन इनमें होती है दुनिया की सारी जानकारी। अक्सर कुछ नया करने का इनसे ही बनता है ख्वाब। जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त और कोई नहीं किताब। स्तोत्रा, अ कॉफी टेबल बुक बेस्ड ऑन द आर्ट वर्क डन बाय द चिल्ड्रन ऑफ गुरुकुलम, द श्लोका लर्निंग सेंटर। हेलो एंड वेलकम टू राबाई राशि फाउंडेशन। स्तोत्रा को लॉन्च करने के लिए आज हमारे ऑनररी गेस्ट हैं मिसेस सुमित्रा महाजन जी। सुमित्रा जी को कौन नहीं जानता। शी इज हेल्ड द ऑफिस ऑफ लोकसभा स्पीकर फ्रॉम 2014 टू 2019। शी हैज बीन इलेक्टेड फॉर लोकसभा फॉर 8 times विद द सेम कॉन्स्टिट्यूंसी। ड्यूरिंग हर पोलिटिकल करियर शी हेल्ड नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द बीजेपी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सुमित्रा जी। नमस्कार नमस्कार। आप हमें अपने बारे में, आपकी जो भी लाइफ की बेस्ट फेजेस और जो स्ट्रगल्स रहे हैं उनके बारे में आप शॉर्ट में हमें बताइए। ओवर टू यू। नहीं, ऐसा नहीं, स्ट्रगल तो हर एक के जिंदगी में होते हैं, है ना। मैं तो एक सामान्य परिवार से थी, और कहो तो सामान्य कहो तो असामान्य, क्योंकि मेरे पिताजी संघ चालक थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख थे जिले के। तो संस्कार तो वही है, लेकिन हाँ, ससुराल में आने के बाद भी एक सामान्य परिवार जो अपने तय खड़ा हुआ, लेकिन ससुराल में भी समाज कार्य को महत्व मिलता था, और इसलिए संघर्ष तो मैंने किया बचपन से। पिताजी जल्दी गए, माताजी, मेरी तो 8 साल की थी तब माँ गई, 15-16 साल की थी तब पिताजी चले गए, और हम सब बहन भाई बहुत संघर्ष के साथ हमने अपनी शिक्षा पूर्व की, शिक्षा करते करते सर्विस भी की, ये सब कुछ किया। और मेरा कहना है ये तो संघर्ष करना पड़ता है, कोई मैंने बहुत अलग से किया ऐसा नहीं, बहुत से लोगों ने ऐसा किया। लेकिन हाँ, बाद में मुझे ससुराल बहुत अच्छा मिला, सास ससुर सबने बहुत साथ दिया। मगर हाँ, उस समय जब इमरजेंसी लगी तब एक बात थी कि अन्याय मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, और अन्याय के साथ तो हमने हमेशा संघर्ष सभी करते हैं, तो मैंने भी किया, तो अन्याय के साथ संघर्ष के लिए खड़ी हो गई उस समय। और मैंने जैसे कहा आरएसएस के संस्कार तो मन पे थे ही कहीं रखे, और उस समय मैं थोड़ी सी एक्टिव हो गई, घर से भी मुझे थोड़ा उसके लिए सपोर्ट मिला। थोड़ा डर तो था कि इमरजेंसी में तू मदद के लिए बाहर जा रही हो, कहीं तू जेल में ना चली जाए, बच्चे छोटे थे, मगर फिर भी सबनों लोगों ने सपोर्ट किया। तो ये संघर्ष तो जीवन में किया, और करते करते हो सकता है लोगों के ध्यान में आया कि ये अच्छी महिला है, अच्छा बोलती है, ये राजनीति में आगे आ सकती है, तो धीरे धीरे आ गई। तो संघर्ष तो करना पड़ता है, अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है हर स्तर पे। मैंने तो कॉरपोरेशन के स्तर से शुरुआत करी, जीवन की सामान्य कार्यकर्ता के स्तर से शुरुआत की, तो हर समय ये तो होता है, और मैं कहूंगी ये करना पड़ेगा। मगर मन पे अगर अच्छे संस्कार हो, अच्छी बातों की जानकारी हो, अच्छा व्यवहार क्या है ये अगर हमें बचपन से सिखाया जाए, तो कहीं ना कहीं हमारा जो संघर्ष है वो अच्छे रास्ते पे चलता है, और संस्कारित रास्ता जिसको हम कहते हैं, वो संस्कारित रास्ते से हम इधर उधर नहीं होते, ये मेरा विश्वास है। बहुत ही अच्छी बात है, आपने बहुत ही सरल तरीके से हमें बता दी सुमित्रा जी। सुमित्रा जी, हमारे जो भी इंडियन आर्ट और इंडियन ट्रेडिशंस हैं, आपको क्या लगता है कि इसका रोल श्लोक चैंट करने से, जो भी हमारे वैदिक श्लोक हैं उनकी बार बार उनको रिसाइट करने से क्या हमारे मेंटल हेल्थ पे असर आता है, इसके बारे में आप हमें बताइए। देखो, मेरा एक तो विश्वास है कि बचपन से हमें भी संस्कृत श्लोक सिखाए जाते थे, यहाँ तक कि गीता के अध्याय याद किया कराए जाते थे पूरे, और उस समय हमारे पिताजी ने या जो हमें सिखाने वाले थे वो उन्होंने यही सिखाया कि आज आपको अर्थ ध्यान में नहीं आए कोई बात नहीं, मगर संस्कृत चैंट करने से आपकी जीभ जो है, आपकी जिह्वा, आपके उच्चारण, ये बहुत परफेक्ट हो जाते हैं, आपका बोलने का तरीका, आवाज कहाँ ऊंची करना, आवाज कहाँ नीची करना, आपके स्वर, ये सब ठीक हो जाते हैं।
तो कम से कम वाणी शुद्ध होने के लिए पहली बात तो संस्कृत चैंटिंग या श्लोक का चैंटिंग बहुत आवश्यक है। फिर बात होती है अर्थ, आपको बचपन में समझे नहीं समझे, बिल्कुल जब छोटे हैं तब इतना अर्थ नहीं समझेगा, मगर कहीं ना कहीं वो शब्दों का असर अपने मन पर तो होता है, ये मेरा अपना अनुभव है। और इसलिए एक तो रिटेनिंग पावर आपकी बचपन में अच्छी रहती है, आप बाद में देखो, अब मुझे कई बार होता है मैं कुछ नया अब सीखने की कोशिश करूं तो बहुत देर लगती है। इवन पढ़ने में पहले मैं एक किताब समझ लो 200-300 पेज की किताब भी हो तो मैं 2-2.5 घंटे में पूरी कर लेती थी। मुझे पूछो तो मैं बता देती भी थी कि इसमें क्या, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक था। मगर अब मुझे 2-3 पेज पढ़ने में भी 10-15 मिनट लगते हैं, मैं दोबारा पढ़ने लग जाती हूँ, भूल जाती हूँ, तो इट इज दैट। तो ये एज का असर है। इसलिए जो भी आपको करना, याद करना, रिटेन करना है, आपकी वाणी में सुधार लाना हो तो श्लोक का चैंटिंग और पर्टिकुलर संस्कृत श्लोक, ये मैं कहूंगी ये जीवन में बहुत आवश्यक है। सुमित्रा जी, आप हमें बताइए कि आप पॉलिटिक्स में रहे हो, इतने साल आपने कंट्री को सर्व कर रहे हो, करा भी है, तो आपने स्ट्रेस कैसे मैनेज किया? एक बात बताऊं, जो मैंने कहा कि संस्कार होते हैं, और मैंने अभी जैसे कहा कई अच्छी कविताएं, अच्छे श्लोक, ये मैं खुद भी, हमें बचपन में सिखाए जाते थे, वो मन में रहते थे, और इसलिए उसका ये होता था कि तुम कुछ नहीं हो करने वाले, जैसे गीता में सिखाया ना, कर्ता कर्विता आप नहीं हो, वो है, वो आपसे करवा रहा है, कर लो, आपका कर्म करो, तो आप इतना ध्यान रखो कुछ बुरा तो नहीं कर रहे हो। इस प्रकार की जो बातें बचपन से संस्कार में आई थी वो कहीं ना कहीं काम कर गई कि आप कुछ नहीं हो करने वाले, वो कर्ता कर्विता तो वो है तुम्हारा, ऐसा एक थोड़ा सा था। फिर कभी कभी ये भी सिखाया जाता था ना कि तुम्हारे इसमें अंदर जो कुछ तो है उसको जागृत करो, ऐसे भी श्लोक होते थे कि मेरे अंदर ही भगवान है, मैं हूं कुछ, मेरे अंदर है तो उसको जागृत करो। ऐसे जो बचपन में कई सारी चीजें सीखी, कई सारी अच्छी कविताएं हमें पढ़ाई गई, उनका कहीं ना कहीं मन पर प्रभाव था। और इसलिए जब भी कुछ ऐसी बात आती थी, बहुत कठिन बात आती थी, सामने वाले बहुत तकलीफ, लोगों को लगता था कि लोकसभा में इतना हल्ला होता था आप शांति से कैसे बैठती थी, तो मैंने कहा उसको भी मैंने अभ्यास किया था कि ये कोई मेरे खिलाफ नहीं है, ठीक है वो अपनी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा नियम से बाहर भी जा रहे हैं, ठीक है मैं नियम से ठीक करूंगी, मगर ठीक है व्यक्त होने दो, व्यक्ति अगर व्यक्त हो जाता है तो हो सकता है वो भी अपने आप को फील करेंगे खाली कि यस हमने जो बोलना था बोल दिया, एक बार बोलने दो फिर मैं कंट्रोल करूंगी उनको। और ये कुछ मेरे लिए व्यक्तिगत मामला नहीं है, मैं अपने ऊपर क्यों लू उसके, तो मैं बहुत शांति से बैठती थी कहीं नहीं। इतनी ही प्रैक्टिकल और इतनी सच्ची बातें आपने अभी अभी हमें बताई है, एंड आई थिंक दिस इज अ लेसन जो मैं आपसे अभी ये बात सुनकर मुझे मिल रहा है कि वो आपके खिलाफ नहीं बोलते थे, वो तो अपनी बात सामने रखते थे। पार्लियामेंट इज फॉर डिस्कशन, तो मैं वही उनको समझाती थी कि डिस्कस करो ना, से व्हाट योर वन, बट चिल्लाओ मत, ये कोशिश होती थी। सुमित्रा जी, आपका क्या स्पेशल मैसेज है उन सारे बच्चों के लिए जिन्होंने ये किताब स्तोत्रा में अपना श्लोक और अपनी पेंटिंग दी है, उसके बारे में आप प्लीज हमें बताइए। पूरा बहुत ही अच्छा, यानी छोटे बच्चों ने भी अपने कल्पना से श्लोक को समझ करके जो पेंटिंग की, हो सकता है पेंटिंग परफेक्ट हो नहीं हो, लेकिन एक बात तो उनके मन में कल्पना तो आई। मैं आज के जमाने में जब होता है ना कि जो वीडियो दिखाते हैं, कहानी भी, मैं कहानी बताने को लेकर के बहुत कीन हूँ वास्तव में। जब कोई कहानी बताई जाती है, जब कोई श्लोक आपको बताया जाता है, तो आप अपना विजन क्रिएट करते हो, आप अपनी कल्पना करते हो, चाहे वो गणेश के बारे में करो, चाहे श्री कृष्ण के बारे में करो, चाहे रावण के बारे में करो, कि गलत व्यक्ति भी क्या होता है, राक्षस यानी क्या होता है, तो यू स्टार्ट इमेजिनिंग। और जब बच्चे खुद इमेजिन करते हैं, खुद महसूस करते हैं उस बात को, तो कहीं ना कहीं उनका ब्रेन भी विकसित होता है, मैं ये मानती हूँ। और वो जो उनके मन पर जो बात
रहती है वो कायम स्वरूप का कहीं ना कहीं संस्कार करती है। तो यहाँ भी जैसे बच्चे वो समझ करके अगर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का पेंटिंग किया या गणेश जी का किया, तो गणेश जी का रूप देखो तो कोई बहुत सुंदर है ऐसा नहीं है। कोई नहीं चाहेगा कि मेरे बेटे को ऐसी सुंड रहे या मेरे बेटे के कान इतने बड़े रहे, नो। मगर उसमें से अच्छा क्या वो ग्रहण कर देगी कि इससे क्या अच्छा है। इनमें बुद्धिमानी है गणेश जी में, ये सबकी सुनते हैं, कान बड़े हैं यानी ये सबकी सुन रहे हैं, तो मतलब मुझे भी सबकी सुनना चाहिए बड़ा बनो तो कहीं ना कहीं वो कुछ अच्छी बातें ग्रहण करेंगे ऐसा मुझे। तो इसलिए बच्चों ने जो पेंटिंग किया है श्लोक के ऊपर बहुत अच्छा है, और इसमें वो अपने आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे तो बात डेवलप करते जाएंगे, क्योंकि वो पेंटिंग उन्होंने मन से किया है, अपनी कल्पना से किया है। तो बड़े होने के बाद हो सकता है उनको श्लोक का अर्थ समझ में आ जाए, अभी थोड़ा सा समझा होगा, ज्यादा अर्थ नहीं समझा होगा कि ये गणेश जी के लिए है, इतना ही समझा अभी। मगर गणेश जी के कौन से स्वरूप के लिए है, गणेश जी की क्या कल्पना इसमें की है, ये अगर वो धीरे धीरे समझेंगे तो हो सकता है उनकी पेंटिंग में वो समझ आ जाएगी, उनका ब्रश उसी तरीके से घूमेगा तो वो अपने संस्कार प्रकट करने में सक्षम हो जाएंगे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। तो बहुत एक अच्छी बात है ये जो बच्चों ने, और मैं तो बच्चों को कहूंगी कि पिटअप समझ के, धीरे धीरे समझ आ जाएगी, फिर समझ के करोगे। वास्तव में श्री कृष्ण के अनेक स्वरूप है देखा जाए तो, है ना। तो श्री कृष्ण यानी क्या, उसने गोवर्धन उठाया यानी क्या, उसने अपनी उंगली पे अकेले ने करा क्या, नहीं, बाकी सबकी भी गांठी लगी थी, ये बाद में समझ में आ जाएगा। तो सामूहिकता क्या है ये करते करते बच्चे समझेंगे, अभी नहीं समझ सकते, अभी वो अकेला भगवान श्री कृष्ण दिखा रहे हैं, मगर जब वो धीरे धीरे समझ करके कल्पना करेंगे तो ध्यान में आ जाएगा कि ये सामूहिक प्रयास है, श्री कृष्ण ने किया हुआ ये सामूहिक प्रयोग है। निसर्ग को किस तरीके से उपयोग में लेना ये सिखा रहे हैं, ऐसी कई सारी चीजें अपने आप बच्चों में आ जाएगी मेरा विश्वास। अब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे सुमित्रा जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आप सभी लोग रा बाय राशि फाउंडेशन और उनके जो बच्चे हैं सभी, और ये जो एनजीओ, मैं इसको कभी कभी एनजीओ नहीं कहती हूँ, ये जो भी ऐसे आप लोग हैं तो मैं कहती हूँ ये नॉन गवर्नमेंट ऐसा मत बोलो इसको ऑर्गेनाइजेशन, मगर ये सहयोगी संस्थान है, सभी काम अच्छे काम करने वाली ये जितने भी ऐसे हैं, तो आप जैसा ये संस्थान ये काम कर रहा है और बच्चों को आर्ट एंड ट्रेडिशन से दोनों चीजें समझाने की, और वो स्तोत्र के जरिए श्लोक के जरिए बहुत अच्छे अच्छे श्लोक आपने इसमें लिए हैं जो गणेश जी के तो बहुत सारे हैं ही, साथ में भगवान श्री कृष्ण के भी हैं, और ये जो आपने सब लिए हुए हैं हनुमान जी का है, यत्र यत्र रघुनाथ, तो ये भी आपने जो लिया है, जहां जहां रघुनाथ है वहां अंजलि पुत्र का मस्तक नतमस्तक होता है, जहां जहां भगवान राम है ये कैलाश राणा शिव चंद्र मौली वो भी आपने लिखा है, तो बहुत अच्छे ये श्लोक जो अपने बच्चों को एक प्रकार से बच्चों पे वो श्लोक कहीं ना कहीं संस्कार भी करेंगे, साथ में उन्होंने अपने तई वो ये करके चित्र निकाले हैं, गणेश जी के चित्र ज्यादा है
गणेश जी अपने दोस्त जैसा लगता है, मेरे भी इसमें गणेश जी ही है, और कहीं ना कहीं वो मित्र बन जाता है, बाप्पा जिसको हम बाप्पा बोलते हैं ज्यादातर, तो अपना अपनत्व का बहुत भाव है उसमें। तो ये जो सब आपने किया बहुत एक अच्छी का अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। तो राबाई राशि फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ, बच्चों को भी शुभकामना, और बड़े होकर के ये सब चीजें ऐसी ही सब ध्यान में रखे, और अपनी अपनी कला, क्योंकि कला के माध्यम से भी पर्सनैलिटी बहुत विकसित होती है, उसके लिए कोई ना कोई कला का दामन हमने पकड़ना चाहिए, कोई ना कोई कला जो व्यक्त करती है मनुष्य को, और व्यक्त करने से उसका व्यक्तित्व निखरता है। तो मैं सबको शुभकामना देती हूँ मेरी तरफ से, बहुत एक अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा कॉम्फर्टेबल आपने बुक बताई बनाई है। थैंक यू सो मच सुमित्रा जी, प्लीज एक्सेप्ट आवर ग्रेटिट्यूड फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस बिग इवेंट। Your presence and gentle words are a source of encouragement for all of us. Thank you so much and namaskar. Okay.